वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बैकल अबीब ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर का जो टेस्ट है वो इस संडे को कन्डक्ट होने जा रहा है आप लोगों को ई मेल्स आ चुकी होंगी स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम ये टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए मैं आपको पैटर्न वगैरह और तैयारी के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ब्रीफली देखिए ये टेस्ट जो है वो पी एच एल यानी बैंक अबीब लिमिटेड खुद से कंडक्ट करता है मुख्तु शहरों के अंदर डिवीज़न लेवल पर सेंटर्स होते हैं और संडे को कंडक्ट करता है ये टेस्ट टोटल हंड्रेड मार्क्स का होता है जिसके अंदर आपको तकरीबन दो घंटे का टाइम दिया जाता है जब मैंने दिया था तब दो घंटे ही होता था अब भी दो घंटे ही होगा टेस्ट में कुछ मिला जुला सा टेस्ट होता है जिसके अंदर एम भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है एम इसके अंदर एटी फाइव मार्क्स के होते हैं और डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो फिफ्टीन मार्क्स का एक ऐसे आपने लिखना होता है पंद्रह नंबर का इस तरह से ये एक सौ नंबर का कंप्लीट पेपर हो जाता है इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो है वो तकरीबन दो पेजेस एंड पे उन्होंने छोड़े होते हैं उन्हीं दो पेजेस पे आपने लिखना होता है किसी तरीके से तो तकरीबन दो पेजेस का आपने लिखना उससे ज़्यादा का नहीं लिखना होता और इसके अंदर तकरीबन आपको तीन चॉइस दी जाती हैं तीन टॉपिक्स दिए जाते हैं उनमें से किसी एक पर आपने लिखना होता है तो टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ किन किन पर जो है ऐसे लिखने को बोला जा सकता है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते उससे रिलेटेड कोई टॉपिक दिया जा सकता है आपको और उस पर कहा जा सकता है कि ऐसे लिखें उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर पे भी आपको कहा जा सकता है मिसाल के तौर पे आपको को एजुकेशन का टॉपिक दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस पर लिखते हैं या फिर आपसे कहा जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं उसके बारे में लिखते हैं या हमारा हमारे यहाँ जो करिकुलम राइज है वो किस तरह से मतलब एजुकेशन को ख़राब कर रहा है या ठीक कर रहा है इस तरह के टॉपिक्स आप हो सकते हैं जिन पे आपको ऐसे इलेक्ट्री को कहा जा सकता है उसके अलावा पावर सेक्टर आपको है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हैं चाहे वो पेट्रोलियम में हो चाहे वो यानी एनर्जी के हवाले से हो तो ये भी क्राइसिस पाकिस्तान के मौजूद हैं उस पर भी आपको कहा जा सकता है जब मैंने टेस्ट किया था तब हमें कहा गया था कि हाइडल पावर या वेंड पावर इनमें से चीपेस्ट आप किस समझते हैं कौन सा बेहतरीन है तो दोनों का कंपैरिजन करके लिखना था तो इस तरह का कोई टॉपिक आपको दिया जा सकता है या फिर आपसे एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान के वाले से पूछा जा सकता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है एक शॉर्ट्स आपने ऐसे लिखना है उसके ऊपर या फिर ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन बैंकिंग या वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन बैंक अबीब लिमिटेड तो इस मतलब आपने अपनी ख्वाहिश का या अपनी राय का इजहार करना है तो इस तरह से आपको ऐसे लिखने को कहा जा सकता है पंद्रह नंबर का उसके अलावा जो एम सी क्यूज़ होते हैं एटी फाइव मार्क्स के उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक कौन कौन से होते हैं इंग्लिश मैथमेटिक्स इस्लामिक स्टडीज़ पाकिस्तान अफेयर्स उसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और फिर बैंक अबीब की हिस्ट्री अब बैंक अबीब की जो हिस्ट्री है वो आपको बैंक अबीब की वेबसाइट से मिल जाएगी यानी आपने अबाउट अस के सेक्शन में जाना है वहाँ से आपने देख लेना यानी ये बना कब था इसका पहला प्रेजिडेंट कौन था इसका करंट प्रेजिडेंट कौन है इसका सी ई ओ कौन है किस ग्रुप से है और कितनी ब्रांचेज हैं कितना प्रॉफिट है ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चार से पाँच क्वेश्चन बैंक अबीब की हिस्ट्री के आते हैं इससे ज़्यादा नहीं आते तो पाँच एक क्वेश्चन ये होते हैं उसके अलावा बाकी रहे कि अस्सी नंबर अस्सी नंबर में तकरीबन बीस नंबर इंग्लिश के होते हैं बीस ही मैथमेटिक्स के होते हैं दस इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं दस पाकिस्तान अफेयर्स के होते हैं और बाकी बीस नंबर जो चाहें वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के होते हैं इंग्लिश के अंदर आपकी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं यानी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सिनोनीम्स एंटोनेम्स, नेम्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह यानी ये पेपर ओवरऑल इजी होता है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ग्रेजुएट पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिर्फ तो मैथमेटिक्स भी सिंपल ही होती, होती है सिंपल कैलकुलेशन होती हैं बग़ैर कैलकुलेटर के आप लोग वहाँ पे रफ पेज़ की यानी रफ जगह दी होती है वहाँ पर तो उसको आप इजीली कर सकते हैं मैथ कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं बहुत टेक्निकल लेवल की नहीं पूछी जाती ना ही पाकिस्तान अफेयर उतनी टेक्निकल होती है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते ना इतने पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के अंदर आपसे कैपिटल्स पूछे जा सकते हैं मुल्कों के करेंसीज पूछी जा सकती हैं उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि कौमी जानवर कौमी फूल कौमी फल कौमी जूस मतलब पाकिस्तान की जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए उसके अलावा दुनिया के अहम उनके कैपिटल्स उनकी करेंसीज ये आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन हैं उनको उठाएं है, उनकी एब्रिवेशनस को याद करें उनका जो हेड क्वार्टर्स हैं उनको याद करें तो जनरल नॉलेज का पोर्शन आपका कवर हो जाता है ओवरऑल ये एक बड़ा बेसिक सा और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए इनत बेसिक सा पेपर होता है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसको पास करना उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में